हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, जियोलॉजी का सेकेंड पेपर है 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखिए ये जो क्वेश्चन होंगे 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। और आप इन क्वेश्चनों को याद करके कितना ला सकते हो, 90% प्लस आपको यहां से देखने को मिलेगा। और सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि एग्जाम से दो दिन पहले मैं आपको 2 डेज पहले कितने दूंगा, कितने क्वेश्चन दूंगा, केवल 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में टोटल वहीं से फंसेगा। 70% वहीं से एग्जाम में आए, मतलब यहाँ से 7 क्वेश्चन पक्के फंसेंगे, कह सकते हैं 70% यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के साथ साथ बीएससी पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक, चलो स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ हम क्या क्या क्वेश्चन 2022 में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन पर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये बोला गया है ओरिएंटल परिमंडल क्या होता है और ऑस्ट्रेल परिमंडल, ये दो परिमंडल है, याद करिए, नंबर एक नंबर दो, इन दो में से एक परिमंडल हमसे पूछा जाता है। अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में जाति की उत्पत्ति कैसी हुई थी उसका हमें एक्सप्लेन करना है, पूरा वर्णन करना है जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी जो कह सकते हैं अब जो अवधारणा की समस्या रही है, कौन कौन सी अवधारणाओं की समस्या रही है, उन अवधारणाओं की समस्याओं के बारे में हमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, बस ये करना है। उसके बाद में हमसे पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है उस पर टिक लगा लो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हम अपने हिसाब से भी नोट्स दे सकते हैं, आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे बड़े आराम से, ऑल नोट्स वहां आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बीएससी पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो और पेपर हैकर दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई भी बीएससी से रिलेटेड जो वीडियो डालते हैं बीएससी पेपर हैकर पे भी ये वीडियो आप देख सकते हैं और बीए और साथ ही साथ पेपर हैकर पे भी। और हमारा और भी लिंक है जो फेसबुक लिंक पेज का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन फॉलो कर लेना, इस प्रकार से कह सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कर लेना ताकि वहां भी इस वीडियो को आप देख पाएंगे। देखो यहां बात करने वाले हैं, हमने ऊपर सब कुछ टिक लगा लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे जिसे कहते हैं ऑर्कियोपेट्रिक्स के रेप्टिलियन लक्षण। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, जो रेप्टिलियन लक्षण पूछा जाता है, रेप्टिलियन लक्षण और एवियन लक्षण, इन दो में से एक लक्षण पूछा जाता है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद में आता है संयोजक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे टकाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे टिक लगाइए। संयोजक कड़ियों के परमाणु द्वारा जैविक विकास कैसे हुआ और साथ ही साथ उसका दिग्गर विकास के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। उसके बाद में आता है ये वाला भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं प्राणियों के भौगोलिक वितरण के बारे में, इस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप टिक लगाएंगे। और मध्यजीवी महाकल्प किसे कहते हैं, ठीक है, आप ये पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद में टिक लगा लो फटाफट इस पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैमार्कवाद आलोचना, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद और डार्विनवाद की आलोचना है। तो यहां से हमसे पूछता है कि लैमार्कवाद उसकी आलोचना बता दो और नव लैमार्क के बाद में डार्विनवाद बता दो, डार्विनवाद की आलोचना पढ़ लो। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, रट लेना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जैव विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, जिसे इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना यहां बोला गया है, देखो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये क्वेश्चन जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है मोस्ट पे लगाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसको रट लेना है। उसके बाद में आता है फीतक के आधार पर अंडे का वर्गीकरण करिए, उनके प्रकार के बारे में बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एग, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, जिसे विदलन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विदलन ये है शुक्राणु, शुक्राणु के प्रकार कितने होते हैं बताओ, तो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के प्रकार, टाइप ऑफ स्पर्म देखो, ठीक है, तो टाइप ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म के प्रकार के बारे में। और यहां बोला गया है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन किसके अंतर्गत आता है, तो आपको कि युग्मक जनन। देखो जब हम युग्मक जनन को पढ़ते हैं, युग्मक जनन देखो, युग्मक जनन जब पढ़ेंगे हम, युग्मक जनन पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, युग्मक जनन, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो यहां बोला गया है भ्रूण कलाएं
और उनकी उत्पत्ति, भ्रूण कलाओं की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके टिक लगा लो फटाफट अपने बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में, जो भी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसमें। उसके बाद में आता है जरायुग, सॉरी जरायुज का निर्माण कैसे हुआ, तो जरायुज फॉर्मेशन ऑफ जरायुज, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जरायुज का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद में मंद धारा क्या होती है, जिसे मंद धारा बोलते हैं, मंद धारा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, जिसे कहते हैं जीवाश्म का निर्माण। तो जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ आपको ये बताना है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन बताना है किसका, जो फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म का निर्माण। उसके बाद में है जीवन की उत्पत्ति, में ऊपर बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर बता चुका हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन कहते हैं, तो निषेचन के महत्व बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, चैरेक्टर्स पूछता है आपसे कि भाई निषेचन के बारे में, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट में लगा लेना, निषेचन पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको लगा लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाओ, हेक्टल के पुनर्वृत्ति सिद्धांत के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी मोस्ट पे लगाना बेटा, ये मोस्ट पे लगाना, इसको आपको रट लेना, इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में आधी रेखा किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे मोस्ट पे लगा देना बेटा, इसको इसको भी मोस्ट में लगा था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में। और ये भी ऊपर कह सकते हैं, उपरवन्यास क्या होता है, ठीक है, इसको भी मोस्ट में लगा था, ठीक है, अपरवन्यास के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पे भी आपको इंपोर्टेंट नॉट लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है इस पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगेंगे, देखो यहाँ वो लगा है, न्यूरल ट्यूब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये न्यूरल ट्यूब का निर्माण, इसको भी आप मोस्ट पे लगाएंगे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऐसे टाइप जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों को हम मोस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सारे पढ़ ही रहे हम, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं न्यूरोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है, न्यूरोजेनेसिस भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप न्यूरल ट्यूब भी का निर्माण कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसके गुण पूछ लेता है, हाँ देखो यहाँ बोला गया नियंडरथल जो मानव होता है उसके गुण के बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो नियंडरथल जो मानव होता है उसके गुण के बारे में पूछ लेता है, चैरेक्टर्स के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। और एक्रोसोम अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ लेंगे। रिएक्शन के बारे में, घोड़े की वंशा कह सकते हैं वंशावली का वर्णन, तो घोड़े के वंशावली के वर्णन के बारे में पढ़ लेना है, ये देख लेना एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो बना बना के कर लोगे, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं ना तो उसका 20% तो हमें याद रहता है, तो हम बना बना के कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको बना बना के भी कर देना, जरूरत नहीं है, यदि याद नहीं है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, मतलब उसे बना बना के करना पड़े, रटक कुछ भी करना पड़े, लेकिन करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेंढक के टैडपोल लार्वा का कलांतरण, इस पर टिक लगा लो, मोस्ट पे लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगा लो बेटा, मोस्ट पे लगाना इसको, ठीक है। अंडे के प्रकार में ऊपर बता चुका हूँ, अंडे के प्रकार ऊपर बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स के बारे में, इसको छोड़ दो, ऊपर बता चुका हूँ इसको। और लास्ट क्वेश्चन है देखो, चूजे का वर्धन, देखो चूजे का वर्धन, भ्रमण कलाओं का वर्णन, देखो आप जानते हैं चूजे मतलब जो अंडे का, जब अंडे में चूजे निकलते हैं उसके बारे में बोल रखा है, लेकिन आप हो सके तो इसको याद कर लेना, कोई इशू नहीं है, वरना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे भ्रम कलाओं के बारे में, अंडे के वर्धन के बारे में, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए उसी दिन मुझे बता देना कि सर आपने 90% की वादा किया था, वो तो नहीं आया, आप मुझसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं कि इतना आता है। और दो दिन पहले जो मैं वीडियो डालूँ वो जरूर देख लेना, क्योंकि वही आपकी इतिहास बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।